हेलो गाइस, मैं हूं मांगी बटे और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है उसके अंदर मैं मतलब नेहल के लिए गिफ्ट पैक कर रही हूँ। उसका बर्थडे आ रहा है 30 मार्च को, तो उसके लिए मैं गिफ्ट पैक करने जा रही हूँ। उसको पता नहीं है, अभी वो बाहर गया है, तो वो आए उसके पहले मुझको फटाफट से गिफ्ट पैक करना है, वरना वो कैसा है पता है कि अगर गिफ्ट मतलब पार्सल आ गए हैं, अभी तक मैंने देखा नहीं है, मैंने अपने फ्रेंड के वहाँ पे मंगाया था, नहीं तो यहाँ पे तो मैं ना होती तो वो देख ही लेता कि अंदर क्या है। तो उसको छुपा के मैंने रखा था और अभी मैं फटाफट से पैकिंग करूँगी, क्योंकि मैं पैक कर दिया उसके बाद वो खोल के नहीं दिखने वाला है। तो चलो फटाफट से मैं पैकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो पहला गिफ्ट मैंने ये लिया है, ये है हेयर कॉम्ब, और ये वो नीम का रहता है ना, वो लकड़ी का रहता है। वैसा मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ यूनिक लेती हूँ जिसकी वजह से कुछ अच्छा दिखेगा, और कैसा है वो लकड़ी का नीम का रहता है, उसकी वजह से हेयर में हमको इन्फेक्शन नहीं लगता और स्काल्प एकदम अच्छी मतलब एंटी बैक्टीरियल रहती है, मतलब कोई बैक्टीरिया नहीं लग जाता है। तो ये मेरी फ्रेंड ने देखा था कैसा है, इसमें लगता है कॉम है, इसमें कुछ है, ये दो चीजें आई है, देखते हैं क्या है। हाँ मतलब ये फेस पे, बॉडी पे और हेयर पे लगा सकते हैं पानी के अंदर मिक्स करके। ओके 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 ओके, ये कलर है, ये कलर आया है और मैं आज देख रही हूँ और होली खत्म हो चुकी है। कोई बात नहीं, बाद में खेल लेंगे, उसके बर्थडे पे खेल लेंगे होली वापस से। चलो हेयर कॉम देख लेते हैं कैसा है। अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। तो चलो ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट, मतलब नेहल को मेरी ओर से ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट है। दूसरा जो गिफ्ट है ये वाला है, ये मैंने उसके लिए गॉगल्स मंगाए हैं, स्केचर्स के हैं। और मतलब मैंने ये कैसे मतलब पता चला कि गॉगल्स लेनी चाहिए, नेहू का मतलब जब वो फेवरेट वाला रहता है ना कि हम सिलेक्ट करके रखते हैं हम बाद में लेंगे, तो मैंने छुपके से देखा और उसने ये अंदर एक टू कार्ट मतलब वो फेवरेट में रह के रखा था, तो मैंने ये ही ऑर्डर कर दिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, लेकिन मैं इसकी पैकिंग पूरी नहीं तोड़ती हूँ, अंदर से ब्लू मतलब ब्लू भी नहीं स्काई ब्लू कलर जैसा है, पसंद आएंगे। लड़कों को तो क्या गिफ्ट दे हमको समझ में ही नहीं आता, बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है कि हम उनको क्या गिफ्ट दें। लड़कियों का तो सब कुछ मतलब कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज से लेके कितना कुछ भी लेना हो हम ले सकते हैं उनके लिए, पर बॉयज के लिए कुछ लेना मतलब वापस से पैक कर देती हूँ, क्योंकि मैं मुझे ना इसको भी वापस से पैक करना है वापस से। और ये तीसरा मैंने देखा नहीं है, ये वाला तो घर साफ करते करते उसने मैंने छुपा के रखा था, उसने देख लिया था, पर अच्छा हुआ उसने अंदर खोल के नहीं देखा था कि अंदर कितना है क्या, ये कहा से देखा। ये मैंने एक परफ्यूम मंगाया है और इसका रिव्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसमें भी कुछ कार्ड आया है और इसका पैकिंग पहले ही मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए लग तो अच्छा रहा है, इसी छोटी सी लगी है, अत्तर है ये, परफ्यूम इसके पास ऑलरेडी है, ये अत्तर है और पहले मैं भी चेक कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको अगर किसी को ऐसा स्पेशल गिफ्ट देना हो तो आप ऐसे गिफ्ट दे सकते हो,
मैं तो कहती हूँ ऐसे ही गिफ्ट देनी चाहिए। और इतनी इसकी पैकेजिंग है बहुत ही ज़्यादा अच्छी। ये मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से, और अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ कि आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। ये तीनों अभी एक और गिफ्ट थी पर वो आई नहीं है। आजियो पे एक चीज़ मुझको नहीं पसंद है, एक मतलब हम सारा का सारा ऑर्डर कर देते हैं तो एक एक चीज़ अलग अलग देखते रहते हैं, और एक चीज़ आ गई है इनको बस मैंने मंगाए थे वो आ गए हैं। पर मैंने उसके लिए कैप मंगाई थी क्योंकि उनको कैप पहनने का बहुत ही शौक है, तो मैंने अच्छी वाली कैप मंगाई थी पर वो नहीं आई है, और अंदर लिख रहा है कि डिले हुआ तो अभी तक आई नहीं है। तो आएगा तो मैं उसको रिटर्न ही करा दूँगी अब, क्योंकि इतना टाइम नहीं है और बाद में कुछ चीज़ें देना अच्छा नहीं लगता। और दूसरा कुछ सोचूंगी, कुछ देने जैसा है या चॉकलेट दे दूँगी या फिर उसको कपड़े का सोचा था पर उसका फिटिंग या कैसा है सबकी चॉइस अलग अलग रहती है, तो मैंने कुछ कपड़ों का चॉइस उस पर ही डिपेंड रखा है। तो उसको कहा है कि जो पसंद आए वो ले लेंगे, तो हम मुंबई जाएंगे तब भी लेंगे। और ये वीडियो मैं अभी नहीं अपलोड करूँगी, ये 30 मार्च के बाद ही अपलोड होगा या तो 30 मार्च को रात को अपलोड होगा। तो बस अब चीज पैक करते हैं। She came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She got a body like a ghost and she likes to keep the party going. फाइनली सारी गिफ्ट पैक हो चुकी है और देखते हैं इनको पसंद आती है या नहीं आती है गिफ्ट। मैं अनबॉक्सिंग का भी वीडियो बनाऊंगी तो उस टाइम आप देख लेना कि कैसा रिएक्शन रहता है, उसको पसंद आता है नहीं आता। और हाँ, इतना सब कुछ हम लाए हैं, आगे भी दूसरा एक व्लॉग बनेगा। ये सब हम मुंबई जाने वाले हैं, उस टाइम भी हमारे मम्मी पापा को हम सरप्राइज देने वाले हैं। उनको नहीं पता कि हम मुंबई जा रहे हैं, तो मुंबई जाने के लिए हमें नाश्ता लेके आए हैं ट्रेन में खाने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया है ट्रेन में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, पता नहीं क्यों लगती है। तो चलो हम मुंबई जाएंगे, वो भी हम मम्मी पापा को सरप्राइज देने वाले हैं, उनको अभी तक पता नहीं है। तो अब डायरेक्ट सीधा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।